हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे सेकंड लेक्चर ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन हमें, प्रूव दैट y इज 4 sin थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 टू पाई बाय 2। अब देखो यहां पर इंटरवल नहीं पूछा उसने, एक फंक्शन दिया है y। अब उसने कहा है कि 0 से लेकर 90 तक इस इंटरवल के अंदर, इंटरवल पहले से दिया हुआ है, उस इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, किसी इंटरवल के अंदर, उस इंटरवल के अंदर अगर डेरिवेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव आ जाए। इसका मतलब ये जो y दिया है, इसका सबसे पहले हमने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है और इस इंटरवल पर चेक करना है पॉजिटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो इंक्रीजिंग होगा, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। 4 sin थीटा ओवर 2 प्लस cos थीटा माइनस का थीटा। अब डिपेंड थीटा पे कर रहा है, डेरिवेटिव निकालना तो क्या होगा, dy वाई बाय डी थीटा। ठीक है, तो ये sin बाय, मतलब ये u डिवाइड बाय v बन रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, नीचे क्या आएगा, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे v स्क्वायर होता है, v को छोड़ के 2 प्लस cos थीटा को छोड़ के डेरिवेटिव किसका होगा, 4 sin थीटा का। ठीक है, v स्क्वायर, v को छोड़ के u के डेरिवेटिव, माइनस u को छोड़ के 4 sin थीटा डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस cos थीटा, साथ में थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, d बाय थीटा ऑफ d थीटा। अब थीटा का डेरिवेटिव थीटा के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा। यहां क्या बनेगा मेरे पास, देखो 2 प्लस cos थीटा 4 sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 वैसे आ गया, sin का डेरिवेटिव cos थीटा माइनस 4 sin थीटा। अब 2 का डेरिवेटिव 0, cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, नीचे मेरे पास कितना आ रहा है, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया मेरे पास, माइनस 1। अब देखो क्या करना है, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी कि 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड में मेरे पास क्या आ रहा है, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 4 cos के थीटा प्लस 4 sin के थीटा, तो इनमें से 4 कॉमन आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब 4 कॉमन निकाल दिया, cos के थीटा प्लस sin के थीटा कितना होगा, 1, तो cos के थीटा प्लस sin के थीटा इज 1, तो ये मेरे पास बन गया इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4। ओवरऑल एलसीएम ले लो, देखो ओवर में क्या है, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, इसके नीचे 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ आ गया 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आ गया 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस, ये ब्रैकेट खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2 यानी कि 4 cos थीटा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, तो कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि हो गया 8 cos थीटा प्लस 4, ये ब्रैकेट खोलेंगे कितना आएगा, माइनस का 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा कितना होगा, 4 cos थीटा, ये 4 ओवर कट गए, माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बन गया मेरे पास 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, cos थीटा कॉमन निकाल लो, अंदर आ गया मेरे पास 4 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर।
ठीक है, ये मेरे पास आ गया डी वाई बाय डी थीटा। सबसे मेन इसमें डेरिवेटिव निकालना था। अब देखो डेरिवेटिव निकाल लिया, आपने प्रूफ क्या करना है, आपने इंटरवल फाइंड नहीं करने, आपको इंटरवल दिया हुआ 0 टू पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 तक ये जो मेरे पास डी वाई डी थीटा है इसको पॉजिटिव चेक करना है कि नहीं है। ठीक है, ऑन इंटरवल पहले से इंटरवल दिया हुआ 0 से पाई बाय 2, डी वाई बाई थी थीटा का आंसर देखना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सबसे पहले यहाँ पर 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 2 प्लस किसी भी टर्म का स्क्वायर कर दो वो पॉजिटिव होगी नहीं, यानी कि डिनोमिनेटर मेरे पास डेफिनेटली क्या है, पॉजिटिव है। अब देखो 4 माइनस कॉस थीटा, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जो कॉस थीटा होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। 4 ऑल इज ग्रेटर देन कॉस थीटा, तो ये डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि कॉस की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, 1, तो 4 माइनस 1 3 होगा। अब बचा है मेरे पास ये कॉस, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, अब 0 से 90, 0 से 90 कॉस किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, तो ओवरऑल मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये इस इंटरवल के ऊपर डेरिवेटिव क्या आ रहा है मेरे पास, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि हमारे पास पता है हमें कि 4 माइनस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 4 माइनस ग्रेटर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 टू पाई बाय 2, ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाय 2 है। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज लॉग कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाय 2 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 से पाई। ठीक है, तो फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स लॉग कॉस एक्स, तो उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने से सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स। लॉग वेरिएबल की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 बाय वेरिएबल कॉस के साथ जो होते नीचे फेंक दिया, फिर कॉस का डेरिवेटिव कितना है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन का कॉस कितना हो जाएगा, माइनस का टेन एक्स। ठीक है, अब फर्स्ट काम जो हमारा होता है डेरिवेटिव निकालना। अब हमें इंटरवल पहले से दिए हैं, निकालने के लिए कहा है, तो ऑन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2, 0 से 90 इंटरवल पर चेक करेंगे एफ डैश एक्स। अब देखो 0 से पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियोज क्या होती हैं, पॉजिटिव। अब यहां पर मेरे पास क्या है, टेन एक्स है। ठीक है, तो एक नेगेटिव पहले से ही है, तो ये नेगेटिव आ गया टेन, तो क्वाड्रेंट कौन सा, फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ये तो पॉजिटिव आ गया, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव का मल्टीप्लाई क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब 0 से पाई बाय 2 ये वाला फंक्शन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो फंक्शन मेरे पास क्या हो गया, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब ओपन इंटरवल दिया था 0 से पाई बाय 2, इसका मतलब जो 0 नहीं हो सकता, मतलब टेन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, डेरिवेटिव 0 नहीं हो सकता। ठीक है, 0 से ग्रेटर देन रहेगा और नेगेटिव, सॉरी 0 से लेस देन रहेगा और नेगेटिव रहेगा। अगर नेगेटिव डेरिवेटिव आ रहा है तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर 0 नहीं हो पा रहा तो। ठीक है, अब पाई बाय 2 से पाई डेरिवेटिव, पाई बाय 2 से पाई कौन सा क्वार्टर बन रहा है, पाई बाय 2 से पाई सेकंड क्वार्टर, सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, तो टेन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये हमें क्या रिजल्ट दे देगा, पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा, तो यहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब देखो ये टेबल हमने प्लस वन में किया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 पाई बाय 2 और फिर पाई बाय 2 से पाई, थर्ड में पाई से 3 पाई बाय 2 और फोर्थ में 3 पाई बाय 2 से 2 पाई होता है एंगल। एड शुगर टू कॉफी, पहले में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉस और सेकेंट पॉजिटिव। ठीक है, इसी से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर सीधा कॉस दिया होता, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता उसको चेक करते, साइन दिया और साइन का डेरिवेटिव कॉस होता उसको इसके अंदर चेक करते, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट उसने कहा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई। देखो सबसे पहले देखो 0 से पाई बाय 2 आधे इंटरवल तक वो इंक्रीज कर रहा है और पाई बाय 2 से पाई फिर आधे पर डिक्रीज कर रहा है, पहले वो ऐसे ऊपर हो गया फिर वो डिक्रीज किया, जहां से स्टार्ट किया वहां पहुंच गया,
ठीक है, जीरो से पाई बाय टू इंक्रीज किया, फिर पाई बाय टू से पाई फिर डिक्रीज किया, ठीक है। तो जितना इंक्रीज किया उतना डिक्रीज किया, तो फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम लिखेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन जीरो टू पाई बाय टू और डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय टू से पाई। इसका मतलब फंक्शन जो पूरे इंटरवल जीरो से लेकर पाई तक क्या हो रहा है, ना इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए नोट कर ले आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। y हमें गिवन है log 1 plus x minus 2x by 2 plus x। इसको मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन माइनस 1। मान लो कि इसने कहा है कि अगर x माइनस 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग वैल्यू, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा x की सभी वैल्यू, बट x क्या होना चाहिए माइनस 1 से बड़ा। माइनस 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले हो तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हमेशा इंक्रीज हो जाएगा। किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने से पहले उसका क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए। इसका मतलब इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो y हमें गिवन है log 1 plus x minus 2x by 2 plus x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx क्या आएगा मेरे पास, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पर लॉग वेरिएबल का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स, यहाँ u डिवाइड बाई v लग रहा है तो क्या बनेगा, यहाँ पर v स्क्वायर यानी 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2 प्लस एक्स डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 2x डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस एक्स। यहाँ पर देखो क्या हुआ, u डिवाइड बाय v, तो कैसे करेंगे, v स्क्वायर, v को छोड़ के u का डेरिवेटिव, u को छोड़ के v का डेरिवेटिव, u डिवाइड बाय v का डिफ्रेंशिएशन हो रही है, v स्क्वायर, v को छोड़ के u की डिफ्रेंशिएशन, u को छोड़ के v की डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 प्लस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1, तो ऐसे ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2 प्लस एक्स एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 माइनस 2 का डेरिवेटिव 0, x का 1, तो बचा मेरे पास 2x, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 प्लस 2x माइनस का 2x, नीचे मेरे पास आ रहा है 2 प्लस x का होल स्क्वायर, 2x और 2x कट गया, ठीक है। अब यहाँ एल्सियम ले लें, 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अलग अलग है, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये इसके साथ डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स कट जाएगा, बचा कितना, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ 4 ये पूरा इससे कट जाएगा, बचेगा कितना 4 इंटू 1 प्लस एक्स, ये खोलो कितना बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 4 एक्स माइनस 4 माइनस 4 एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये 4 से 4 कट गया, 4 एक्स से 4 एक्स कट गया, बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। y हमें गिवन है, हमने dy बाय dx निकालना है, तो हमने dy बाय dx निकाल लिया है। अब हमने देखना है कि इसको कोई इंटरवल तो दिया है, यानी कि इस इंटरवल पर चेक, उसने कहा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है x की हर एक वैल्यू पर ध्यान देना कि x जो है माइनस वन से बड़ा है। अब देखो ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन हमारे पास dy बाय dx है, इसको पॉजिटिव प्रूव करना है, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, किसी भी टर्म का स्क्वायर रखेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर ये भी हमेशा क्या देगा हमें, पॉजिटिव नंबर, नीचे क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स, देखो ये दो टर्म पॉजिटिव है, तीसरी टर्म बची है, तीन ही टर्म है, अब दो टर्म पॉजिटिव तीसरी टर्म पर डिपेंड करता है। हमें जो दिया हुआ है, हमें दिया है कि x जो है माइनस वन से बड़ा है, माइनस वन इधर ले हो तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि ये जो टर्म है 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 ये भी पॉजिटिव है। तो dy बाय dx तीन टर्म्स के इक्वल ऐसे दी हुई है, तीनों की तीनों पॉजिटिव है, इसका मतलब dy बाय dx इज ग्रेटर देन 0, तो dy बाय dx इज ग्रेटर देन 0 फॉर x
ग्रेटर देन माइनस वन। जब एक्स माइनस वन से बड़ा है तो डी वाई डी एक्स पॉजिटिव है, अगर डी वाई डी एक्स पॉजिटिव तो वाई इज इंक्रीजिंग, लिख सकते हैं वाई इज इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एक्स ग्रेटर देन माइनस वन। चलिए नोट कर लें आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन टेन वर्स साइन प्लस कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 टू पाई बाय 4। ठीक है, हमें फंक्शन दिया है एफ एक्स टेन वर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हमने इसको प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल क्या दिया हमें 0 टू पाई बाय 4। अब वाई मेरे पास है टेन वर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो सबसे पहले तो इंक्रीजिंग डिक्रीज चेक करने से सबसे पहला रूल क्या है, हम उसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स क्या आएगा 1 ओवर 1 प्लस, देखो इसको u मान लो तो टेन वर्स u का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई 1 प्लस u स्क्वायर, 1 प्लस साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, फिर साइन x प्लस कॉस x का डेरिवेटिव यहाँ आएगा। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव cos, cos का माइनस साइन, तो ये हो गया cos x माइनस साइन x। अब देखो ये साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, तो ये पूरी डिनोमिनेटेबल टर्म हमेशा कह देगी हमें पॉजिटिव टर्म देगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव टर्म देगी हमें। अब ऑन इंटरवल 0 टू पाई बाय 4, अब देखो साइन और कॉस का ग्राफ याद रखना है आपने, जो साइन है देखो इस पार्ट को समझने के लिए थोड़ा ग्राफ को समझे। अब देखो साइन का ग्राफ समझे तो साइन 0 कितना होता है 0, और साइन 90 का वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी 1 90 पर, और कॉस 0 क्या होता है 1। ठीक है, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है पाई बाय 2, दोनों एक जगह इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये कितने डिग्री होता है यहाँ पर 45 डिग्री, तो साइन और कॉस की कॉमन वैल्यू कहाँ आती है 45 पर, कितनी वैल्यू होती है इनकी 1 बाय रूट 2। अब देखो 0 से लेकर पाई बाय 4 ये इंटरवल के अंदर साइन ये है और कॉस ये है, इसका मतलब 0 से लेकर पाई बाय 4 तक साइन छोटा फंक्शन है, कॉस की वैल्यू बड़ी आ रही है, क्योंकि कॉस की वैल्यू ऊपर आ रही है और साइन की नीचे आ रही है, तो कॉस की वैल्यू हायर है साइन की वैल्यू से। अब पाई बाय 4 से पाई बाय 2, जब हम पाई बाय 4 से पाई बाय 2 चलते हैं साइन हम बढ़ता बढ़ता आगे चला गया और कॉस गिरता गिरता नीचे आ गया, तो इसका मतलब पाई बाय 4 से पाई बाय 2 जो कॉस छोटा हो जाता है साइन बड़ा हो जाता है। यहाँ पर देखो इंटरवल दिया है 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी कि 0 से बड़ा और पाई बाय 4 से छोटा 45 डिग्री से छोटा, तो कॉस बड़ा होगा साइन के साथ, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा पॉजिटिव होगा, यानी कि अगर इसको देखा जाए रफ में ऑन इंटरवल 0 टू पाई बाय 4 जो कॉस एक्स होता है वो ग्रेटर देन है साइन एक्स, तो इनका डिफरेंस क्या होगा पॉजिटिव, इसका मतलब डी वाई बाय डी एक्स क्या हो गया ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया मेरे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो अगर डेरिवेटिव आपका कहीं 0 आ जाए तो वहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन आता है, अगर डेरिवेटिव आपका इंक्रीज ही कर रहा है मतलब यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं आ रहा तो वहाँ पर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख देते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग में क्या होता है कि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू शायद वो 0 हो जाए डेरिवेटिव कहीं किसी पॉइंट के ऊपर, अगर किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 नहीं आता तो उसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीज।